बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर शाद मोहम्मद वज़ीर। मैं एज अ स्किन स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स स्किन डिपार्टमेंट डर्मेटोलॉजी में काम करता हूँ। कील महासे या एक्नी पिंपल टीनेज लोग होते हैं, 14-15 साल से बलागत शुरू हो जाती है, तो उसमें हमारे बॉडी के हारमोन्स बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे चेहरों चेस्ट पे, सीने पे या कमर पे जो है ना पिंपल या एक्नी वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, तो उसके फिर डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप ऑफ एक्नी है, तरीके के साथ हम उनका इलाज करते हैं। उसमें फिर ये है कि पिंपल वगैरह जो होते हैं तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो उसको एंटीबायोटिक के साथ ट्रीट किया जाता है। स्किन एक्सफोलिएटिव एजेंट जिसको कहते हैं कि हमारी जिल्द को पील ऑफ करे और ब्लॉक पोर्स जो होते हैं या जो उसमें कॉमिडोन जो होते हैं वाइट या ब्लैक हेड या वाइट हेड होते हैं, तो उनको ओपन पोर्स को उसको क्लोज कर ट्रीटमेंट उसकी करनी चाहिए। कोशिश करें कि जंक फूड जो होते आजकल बहुत ज़्यादा है, उसकी बहुत सबसे बड़ी रीज़न जो है वो जंक फूड हो गया, उनकी वजह से हमारे पिंपल एक्नी बहुत ज़्यादा निकलते हैं। गैर ज़रूरी क्रीम लगाने से भी पिंपल एक्नी बहुत ज़्यादा निकलते हैं। हमारे मुल्क में ऑयल्स का यूज़ सर के बालों में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है, ऑलरेडी स्किन ऑयली होती है तो ऊपर से और तेल लगा लेते हैं, तो उसकी वजह से उनके पिंपल और बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में इनका हर इंडिविजुअल के पिंपल या एक्नी का ट्रीटमेंट अलग होता है, सबके लिए एक जैसी ट्रीटमेंट नहीं है, तो वो डिपेंड करता है कि माइल्ड फॉर्म ऑफ एक्नी है या सीवियर फॉर्म ऑफ एक्नी है। तो बेहतर ये होगा कि ऐसे इंसान को सब्जियाँ होगी, फ्रूट्स हो गए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन सी होता है, स्पेशली विटामिन सी जो कि हमारे यहाँ ईजीली अवेलेबल है आजकल, माल्टे हो गए, जो बाकी जितने भी लेमूज हो गए इनमें सबसे विटामिन सी ज्यादा, तो ऐसी खुराकें जो एंटीऑक्सीडेंट से भरी हुई हों, तो उनकी खुराक से या पानी के ज़्यादा इस्तेमाल से हमारी जिल्द की टेक्सचर या जो होता है वो सबसे बहुत ज़्यादा साफ सुथरा रहता है। साथ साथ जो इसमें पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए, ख़ासकर गर्मियों में, क्योंकि ये हमारी जिल्द और हमारे गुर्दों के लिए, सारे बदन के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हम दिन में कई लीटर पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी सकते हैं।